वैश्विक आपदा के चलते देश की तमाम शिक्षण संस्थाएं पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से ठप पड़ी हैं। लेकिन अब राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना से निपटने के साथ साथ राज्य के विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इस सत्र के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का प्रथम चरण शुरू हो गया है जो 18 जून तक चलेगा। गुरुवार को जिला वितरण केंद्र पर चौहटन ब्लॉक नोडल केंद्र को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। राजकीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का प्रथम चरण 1 जून से प्रारंभ हो गया है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का प्रथम चरण 18 जून तक चलेगा। शिक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के तत्वावधान में हो रहे निःशुल्क वितरण के क्रम में प्रथम चरण में जिला वितरण केंद्र पर अब तक प्राप्त पाठ्य पुस्तकों को जिले के 23 ब्लॉक नोडल केंद्रों पर पहुँचाया जा चुका है। गुरुवार को चौहटन ब्लॉक नोडल केंद्र को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। जानकारी के अनुसार अब तक 6 नोडल केंद्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है। वहीं इस बार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बोझ कम करते हुए कक्षा 1 से 5 की पुस्तकें विषयवार न होकर त्रैमासिक इकाईवार तैयार की गई है। वहीं कक्षा 6 से 9 और 10वीं की पाठ्य पुस्तकें NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है। जिले में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण कार्य में पिछले 6 वर्षों से सतत कार्य कर रहे शिक्षक मुकेश बोरा अमन ने बताया कि जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी 23 ब्लॉक नोडल केंद्र निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को तय समय पर पहुंचा दिया जाएगा, जिसका कार्य प्रगति पर है। किताबें हैं वो सभी ब्लॉक लेवल पे जा रही हैं। अब की बार पहले नोडल PO नोडल जाती थी, अब की बार ब्लॉक नोडल पे जा रही हैं। और जो सिलेबस चेंज हुआ वो तो 100% जा रही हैं। इसके अलावा जो पहले से चल रही हैं 10वीं और 12वीं की बुक्स वो 50% जाएंगी। जो 6 से 9 है वो तो कंप्लीट चेंज है और 11वीं की चेंज है। इसके अलावा बोर्ड क्लास हैं उनकी वो पहले वाली चल रही हैं, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1 से 5 है उसके कंटेंट तो वही हैं, बाकी उनका बस्ते का बोझ कम करने के लिए उनको 3 भागों में बांट दिया। गौरतलब है कि रीको एरिया स्थित पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र पर 1 जून से 18 जून तक प्रथम चरण की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बांटी जाएंगी। वहीं द्वितीय चरण 25 जून से प्रारंभ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।